नमस्कार। हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं की चर्चा कर रहे थे एवं हमने यह परिभाषित किया था कि यादृच्छिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यादृच्छिक प्रक्रियाओं के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। यादृच्छिक प्रक्रियाओं का पहला गुण जो हम देखेंगे वह है स्थावरता अथवा स्टेशनरिटी। एक यादृच्छिक प्रक्रिया स्थावर अथवा स्टेशनरी तब कहलाती है जब उसके सांख्यिकीय धर्म समय से स्वतंत्र हो अथवा समय पर निर्भर ना करें, अर्थात समय पर निर्भर ना करें, अर्थात यदि हम उसका nवीं कक्षा का प्रायिकता घनत्व फलन लिखें एफ एक्स टी एन टी एक एक्स टी एन एक्स एक से एक्स एन, तब यह समय का फलन न हो, अर्थात किसी भी डेल्टा के लिए एफ एक्स टी एक जमा डेल्टा एक्स टी एन जमा डेल्टा एक्स 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 एन बराबर है एफ एक्स टी एक एक्स टी एन एक्स 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 एन। यह एक ऐसे यादृच्छिक प्रक्रिया जो कि इस मापदंड पर खरी उतरती है उसे nवीं कक्षा में पूर्णतः स्थावर स्टेशनरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस nth ऑर्डर अथवा nth ऑर्डर स्टेशनरी स्टेशनरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस, उसे nth ऑर्डर स्टेशनरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस अथवा nवीं कक्षा में पूर्णतः स्थावर कहा जाता है। यह स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरिटी अथवा पूर्ण स्थावरता गणितीय रूप से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, किंतु अधिकतर उपयोगों में, अधिकतर भौतिक प्रयोगों में हम यह देखते हैं कि यह ज्ञात करना कि वह nवीं कक्षा में स्थावर है या नहीं है कुछ कठिन हो जाता है। इसीलिए मूल भौतिक प्रयोगों के लिए जिन संकेतों, जिन भौतिक यादृच्छिक प्रक्रियाओं से हम संचार अभियांत्रिकी के विषय में चर्चा करेंगे, उन चर्चाओं के लिए हम एक अन्य प्रकार की स्थावरता परिभाषित करते हैं जिसे कहते हैं व्यापक स्थावरता अथवा वाइड सेंस अथवा WSS।
एक यादृच्छिक प्रक्रिया व्यापक रूप से स्थावर WSS तब कहलाती है जब MXT बराबर है XT बराबर म्यू एक अचर हो, जब उसका अर्थात जब उसका मध्यमान फलन समय में अचर हो एक एवं दो उसका स्व सहसंबंध ऑटोकोरिलेशन फंक्शन केवल समय सूचकांकों के अंतर पर निर्भर करे, अर्थात RXX T1 T2 बराबर है प्रत्याशा XT1 XConjugate T2 बराबर है RXX T1 घटा T2। हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं कि यदि हम परिभाषित टी एवं टाउ तब T1 बराबर है T2 बराबर है T घटा टाउ बटे दो, अर्थात मैं RXX T1 T2 को लिख सकता हूँ RXX T टाउ X conjugate T घटा टाउ बटे दो। यह अब यह X व्यापक रूप से स्थावर तब होगा जब RXX टी टाउ केवल टाउ का फलन हो, अर्थात RXX टी टाउ बराबर है एक्स टाउ। यह अब एक व्यापक रूप से स्थावर यादृच्छिक प्रक्रिया के स्व सहसंबंध फलन के यह गुणधर्म होते हैं, एक RXX टाउ बराबर है RXX, यह देखना सरल है, एवं RXX टाउ RXX शून्य बराबर है यह एक प्रकार से उस यादृच्छिक प्रक्रिया की ऊर्जा अथवा उस यादृच्छिक प्रक्रिया में समहित ऊर्जा है, इसकी चर्चा हम कुछ देर पश्चात करेंगे अथवा शायद इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अगला गुणधर्म है चक्रीय स्थावरता। XT किसी अवधि टी शून्य के टी नॉट के साथ चक्रीय
स्थावर कहलाता है, जब उसके गुणधर्म समय के आवर्ती फलन हो अथवा पीरियोडिक फंक्शंस हो, चक्रीय स्थावरता को अंग्रेजी में साइक्लोस्टेशनरिटी कहते हैं। अर्थात किसी भी के लिए, किसी भी के लिए यह। अब एक यादृच्छिक प्रक्रिया XT व्यापक रूप से चक्रीय स्थावर कहलाती है, जब एवं यह जब इन गुणधर्मों का पालन होता है, तब वह यादृच्छिक प्रक्रिया अवधि टी नॉट के साथ चक्रीय स्थावर कहलाती है। हमारा अगला गुणधर्म है, अथवा यादृच्छिक प्रक्रियाओं का अगला गुणधर्म है, अभ्यतिप्रायता अथवा एर्गोडिसिटी। एक व्यापक रूप से स्थावर रूप से स्थावर, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, WSS यादृच्छिक प्रक्रिया एवं किसी भी फलन हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्याशा क्योंकि अब प्रतिदर्श समष्टि समष्टि के किसी अवयव ओमेगा आई के लिए हम एक संकेत XI टी परिभाषित कर सकते हैं, XI टी बराबर है X ओमेगा आई टी। अर्थात यह
प्रतिदर्श समष्टि में परिणाम ओमेगा आई पर जनित होने वाला फलन अथवा संकेत है। निर्धारणात्मक केवल तभी है जब हमें ओमेगा आई ज्ञात हो अथवा संकेतों के समष्टि में ओमेगा आई का बिंब है, या संकेतों के समष्टि में ओमेगा आई का बिंब है। इसे हम प्रतिदर्श फलन, इसे हम प्रक्रिया एक्स का एक्स टी का प्रतिदर्श फलन कहते हैं। अब हम एक्स आई के किसी फलन जी की समय औसत सीमा टी अनंत की ओर बटे टी माइनस टी बटे दो से टी बटे दो यह बराबर है सीमा टी अनंत की ओर एक बटे टी टी बटे दो से टी बटे दो जी डी टी। यह अब एक यादृच्छिक क्रिया अभ्यतिप्राय अथवा एर्गोडिक कहलाती है जब सभी फलनों जी एक्स के लिए जी एक्स आई आई से स्वतंत्र हूँ, अर्थात यह इस बात से स्वतंत्र हूँ कि प्रतिदर्श समष्टि से कौन सा अवयव लिया गया है, वह इससे आई से स्वतंत्र हूँ, एवं प्रत्याशित मान जी एक्टी, क्योंकि यह ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि एक्सटी है इसीलिए यह प्रत्याशित मान एक अचर होगा एवं इसके बराबर हूँ, यह एक अचर होगा। प्रत्याशित मान जी एक्स टी जिसे हम एक्स लिख सकते हैं यह जी एक्स टी का औसत यह जी एक्स टी का सामुदायिक औसत कहलाता है। सरल शब्दों में एक यादृच्छिक प्रक्रिया तब कहलाती है जब उसके सभी फलनों का समय औसत
सामुदायिक औसत के बराबर हो। के अभ्यतिप्राय अथवा एर्गोडिक बराबर। पुनः यह यादृच्छिक प्रक्रिया XT अभ्यति प्राय है जब सीमा T अनंत की ओर 1/T, T/2 से T/2 जी dT बराबर है प्रत्याशा XT सभी आई के लिए। यह अब जैसा कि हमने कहा था कि हम एक यादृच्छिक प्रक्रिया की ऊर्जा परिभाषित कर सकते हैं, इसी प्रकार हम एक यादृच्छिक प्रक्रिया के आईवें प्रतिदर्श की ऊर्जा एक्स वर्क डीटी इसी प्रकार हम उसकी शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। पीआई बराबर है सीमा टी अनंत की ओर 1/T -T/2 से T/2 xi वर्ग dt। अब यदि xt तब px बराबर है pi एवं ex बराबर है सभी आई के लिए। यह हम यह भी देख सकते हैं px बराबर है pi बराबर है सीमा t अनंत की ओर 1/T -T/2 से T/2 सीमा t अनंत की ओर 2 से। इस प्रकार हम शक्ति एवं स्वसहसंबंध फलन को भी परिभाषित कर सकते हैं। अंततः हम समय औसत स्वसहसंबंध फलन की परिभाषा देंगे। समय औसत स्वसहसंबंध फलन इस प्रकार दिया जाता है RxxI(tau) बराबर है सीमा t अनंत की ओर 1/T -T/2 से T/2 xi conjugate t घटा tau/2 dt अर्थात RxxTau बराबर है प्रत्याशित मान
अब एक अभ्यतिप्राय प्रक्रिया के लिए आर एक्स एक्स टाउ बराबर है एक्स बार आई टाउ। यह यादृच्छिक प्रक्रियाओं के मुख्य गुणधर्म थे। अगले व्याख्यान में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार जब हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं को एक संकेतों की अवधारणा के रूप में देखते हैं तो हम किस प्रकार यादृच्छिक प्रक्रियाओं को संकेतों के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।